हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल एंड वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। और फिलहाल जो है वो 11:30 बजे हुए होंगे और मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही बना रही हूँ। लेट उठे थे तो फिर सारा काम जो है वो डिले होता चला गया, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो ब्रंच हमारा होने वाला है, तो ब्रेकफास्ट और लंच टुगेदर हो जाएगा। तो रोटी सब्जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ये वो मेथी है जो मैंने कल के व्लॉग में भी आपको दिखाई थी कि मैंने साफ करके रखी थी, बट क्योंकि फिर ओवरनाइट हो गया था, शाम को खिचड़ी वगैरह हमने बना ली थी, तो इसीलिए फिर इसका यूज़ नहीं हुआ, तो एक दो पत्ता इसका ख़राब हो रहा था, तो बस वो मैंने निकाल दिया। इसको मैं वॉश कर लूँगी। और ये वो बुरा दिन था जिस दिन शाम को मुझे मम्मी के बारे में पता लगा था, तो जो कल का व्लॉग गया है वो बिल्कुल खुशी खुशी रिकॉर्ड हो गया था, एडिट हो गया था, फाइनल एडिटिंग नहीं हुई थी उसका, जो लास्ट का पार्ट था वो मैंने फिर इस इंसिडेंट के 3 दिन बाद रिकॉर्ड किया था, और ये वाला रिकॉर्ड करके रखा था, तो मेरा कोई कहीं से कहीं तक हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर रूम में आऊँ, वॉइस ओवर करूँ या कुछ भी रिकॉर्डिंग करूँ, एडिटिंग करूँ, कुछ भी। तो आज 5 दिन के बाद मैं अपने छोटे से ऑफिस में आई हूँ और सोचा कि चलिए आज आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर देती हूँ, ताकि आपको व्लॉग जो है वो टाइम से मिल जाए, क्योंकि 3 दिन का गैप हुआ है बीच में और बहुत सारे जो है वो कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि क्या हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पढ़ी थी, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी थी। सो थैंक यू सो मच इतना कंसर्न दिखाने के लिए और याद रखने के लिए और मुझे जताने के लिए कि मैं आपकी फ़ैमिली का हिस्सा हूँ, थैंक यू सो मच। तो चलिए मूव करते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, 2 कप के करीब लिया है, और इसमें मैं 2 बिल्कुल स्मॉल साइज़ के जो पोटैटोज़ हैं बॉयल्ड, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो मेथी भी मैं इसी के अंदर ऐड करूँगी, तो जो फ्रेश मेथी होती है उसमें काफ़ी कड़वापन होता है, तो फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए पोटैटो डाला जाता है, लेकिन अगर आपको वो कड़वा फ्लेवर पसंद है तो आप पोटैटोज़ जो हैं वो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो आप डाल लें, जो भी आपका मन हो। मैं मेथी के साथ खा लेती हूँ बिना आलू के, लेकिन अदवी जो है उसको लगता है थोड़ा, तो फैमिली के साथ आपको फैमिली के हिसाब से बनाना पड़ता है। तो 2 आलू मैंने ग्रेट कर लिए हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया स्टफ्ड पराठा मसाला, ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर जो है वो नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और 1 चम्मच मैंने अजवाइन क्रश करके डाल दी है। इसके बाद ये है मेथी जो मैंने अच्छे से वॉश कर ली है, तो आप चाहें तो इसको चाकू से चॉप कर ले, मैं पहले करती थी, लेकिन जब मेरे पास मैनुअल चॉपर आ गया तो फिर तब से मैं इसमें ही करती हूँ और बहुत अच्छे से हो जाती है। तो बस छोटा सा ही बंच था, ज़्यादा बड़ा था भी नहीं है, और इसको बस आपको डालना है और इसको फाइनली चॉप कर लेना है। कुछ लोग उबाल कर जो है वो प्योरे बनाकर ऐड करते हैं, बट मैं इस तरह से कच्चा डाल लेती हूँ, इट्स फाइन। बस प्योरे बनाने से ये होता है कि फिर आपकी रोटियां पराठे जो आप बनाते हैं वो बिल्कुल मज़ेदार फूलते हैं। इस तरह से डालते हैं तो कई बार ये होता है कि कुछ रोटियां फूल पाती हैं आपकी, कुछ नहीं फूल पाती हैं, बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। इसमें एटलीस्ट जो है वो जो ग्रीन होता है ना, जो अंदर उसकी वैल्यूज़ होती हैं, न्यूट्रिशंस वैल्यू होती हैं, वो सारी स्टिक रहती हैं। कई बार उबलने पर चीज़ें जो हैं वो ग्रीन्स की निकल जाती हैं, तो इस तरह से मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। तो पूरा का पूरा मैंने चॉप करके इसके अंदर ये डाल लिया है। इसके बाद आपको इसको बिल्कुल अच्छे से जो है वो पहले क्रम्बल करना है, पहले ही पानी मत डालें, क्योंकि नमक ऑलरेडी है आटे में, और जब ये ग्रीन चीज़ें जाती हैं नमक के साथ मिलती हैं तो वो खुद से पानी रिलीज़ करती हैं। फिर यहाँ पर मैंने पोटैटो भी ऐड किया है तो उससे भी मॉइस्चर आता है, तो शुरुआत में आप पानी ना डालें। तो यहाँ पर मैं क्लिप को बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी, आप देखना कि मैं किस तरह से इस आटे को नीड कर रही हूँ, और आपको इसका स्टिफ डो बना के तैयार करना है, लाइक टाइट बनाना है, क्योंकि जब आप इसको रेस्ट होने के लिए रखेंगे 5-10 मिनट के लिए, तो उस दौरान भी जो मेथी है वो नमक के साथ रिएक्ट करके थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी, तो जब आप इसको सख्त बनाएंगे तब 10 मिनट रखने के बाद ये जो आटा होगा ये नरम हो जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी डाला है, कोई मेजरमेंट नहीं है, डिपेंड करता है कि कितनी मेथी आपने डाली है, कितना आलू आपने डाला है, और आटे की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके 1-1 चम्मच आप जो है वो इसमें पानी ऐड करते जाएँ और देखें कि बिल्कुल आपको सख्त आटा बनाना है,
और इसमें अच्छे से मुखियां लगा लगा के आपको इसको नीट कर लेना है। तो यहाँ पर डो मेरा अच्छे से तैयार हो गया है और इसको बस अब मैं कवर करके रख दूँगी। साथ ही यहाँ पर जो है सब्जी बनाने के लिए मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो कल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अरबी उबाल के रखी थी, तो मैं अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और बहुत टेस्टी ये वाली अरबी की सब्ज़ी बनती है, बहुत बहुत ज़्यादा। और बनाना भी बहुत आसान है इसको, क्योंकि सारी चीज़ें आप एक साथ ही पीस लेते हैं। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली हैं और 2 यहाँ पर टमाटर लिए हैं। तो इनको बस मैं मोटा मोटा काट रही हूँ क्योंकि इवेंचुअली हमें इनको पीस लेना है। तो मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया है और वॉक चढ़ाई है। इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है जितना मुझे तड़के के लिए चाहिए, और ऑयल के गर्म होते ही मैंने उसमें थोड़ा सा हींग डाल दिया है। इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाली है। अरबी जो है वो अजवाइन में ही छोंकी जाती है, तभी उसका टेस्ट अच्छे से आता है। साथ ही थोड़ा सा जीरा डाला है, और इसके बाद जो टमाटर और प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो लाइक टमाटर प्याज आपको एक साथ पीसने हैं। और इसके बाद अब इस मसाले को आपको बिल्कुल अच्छे से भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसकी लिड हल्की सी लगा के रख दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलता है मसाला। इसी बीच हम दूसरा एक और पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें दही ली होगी, घर की जमी हुई फ्रेश दही है। और जो नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। साथ ही थोड़ा सा जो गरम मसाला है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और जो सॉल्ट है वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसको हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, कहीं ऐसा ना हो कि मक्खन अलग हो जाए और लस्सी अलग हो जाए। तो बस इस तरह से करें कि मसाले जो हैं वो दही के अंदर मिल जाएं। और यहाँ पर आप ये टमाटर प्याज का मसाला देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है, इवन दो इतना था भी नहीं। और इस पॉइंट पर थोड़ी सी कसूरी मेथी लेकर आप हाथों से क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एकदम से महक आने लगती है कसूरी मेथी की। इसके बाद जो दही का हमने मसालों के साथ पेस्ट बनाया था आपको वो इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसको लगातार आपको चलाना है जब तक इस मसाले में एक बार अच्छे से बॉईल ना आ जाए। अगर आप इसको नहीं चलाएंगे तो आपकी जो दही है उसके फटने के चांसेस हो रहेंगे कि जब वो फट ना जाए। तो आप यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल स्मूथ यहाँ पर पेस्ट बना है। कवर कर दें थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ऊपर जो है वो ऑयल आने लगेगा, और उसके बाद आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें। कोई भी आप दही वाली जो चीज़ बनाते हैं उसमें सॉल्ट शुरू में ना ऐड करें, लाइक टमाटर प्याज को गलाने के लिए डाल दें और फिर आप दही डालें तो नमक से जो है वो दही फट जाती है, तो हमेशा बाद में डालें। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, और उसके बाद जो ये अरबी थी इनको मैंने गोल चंदे के आकार का काट लिया है, गोल गोल। और इसके बाद थोड़ा सा जितना भी आपको इसको थिक रखना है, थिन रखना है, उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल दें, और ऑलमोस्ट सब्जी हमारी यहाँ पर डन है। इसके बाद बस 5-1 मिनट आपको इसको पकाना है ताकि जो अरबी है उसके अंदर सारा फ्लेवर जो है दही का, मसाले का, वो अंदर चला जाए। और ये इतनी अच्छी दही वाली अरबी बनती है ना, पूरियों के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए ना, तब खूब सारी ग्रीन चिली जो है वो आप स्लिट करके डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है आपकी सब्जी। तो यहाँ पर सब्जी हमारी डन है। आप देखेंगे कि ऊपर जो है ऑयल बहुत अच्छे से तैरने लगा है और बहुत टेम्पटिंग ये बन के तैयार होती है। सो अब तो गर्मियों में सब जगह अरबी मिलने लगेंगी, तो ज़रूर बनाइएगा। तो अरबी मेरी यहाँ पर तैयार हो गई है, और मैंने यहाँ पर जो है वो तवा भी चढ़ा दिया है। तो थोड़ा मैंने सिम करके अरबी को रखा है, और उधर की तरफ मैं अपना रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। परात आपको दिख रही होगी, उसमें मैंने बोल्स ऑलरेडी बना लिए हैं आटे के, तो आटे को रेस्ट हो गया था तो उसके मैंने जो है वो पेड़ियाँ बना ली थी एक बार उसको स्मूथ करके। तो पेड़ियाँ बनाने से ये होता है कि बार बार फिर आपका आटे में हाथ लगे, हाथ गंदा नहीं होता है। तो मैं शुरू में ही बना के रख लेती हूँ जब भी मेथी का या पालक का या बथुए का बनाती हूँ। और इधर जो है अरबी हमारी वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है,
और आप चाहें तो इसके पराठे भी सेक सकते हैं अगर आपका मन करे तो। मैं रोटियां ही बना रही हूँ, हम लोग पराठे वगैरह बहुत कम खाते हैं, कभी वीकली बेसिस पर बन गए तो बन गए, अदरवाइज नहीं खाते हैं। और ये वाली जो रोटियां हैं इनमें आप बिल्कुल मायूस मत होना, क्योंकि ये बहुत कम फूलेंगी, क्योंकि कोई कोई स्टेम जो है वो आ ही जाती है, तो बहुत कम ये फूलेंगी आपकी। ये फूलेंगी तो बल्ले बल्ले, नहीं फूलेगी तो कोई बात नहीं। तो एक एक रोटी करके मैं इसको सेक रही हूँ यहाँ पर, और घी लगा के मैं रख रही हूँ। और जो मैं इस बार घी लगा रही हूँ, लाइक दोनों तरफ लगा रही हूँ रोटी पे, तो आपको लगभग पराठे वाला टेस्ट आएगा, बट ये है कि आपके घर में धुआं नहीं होगा, पराठे की स्मेल नहीं होगी। और घी जो है वो ऑयल से तो हेल्दी होता ही है। बाकी मैं घी के पराठे बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वेंटिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और फिर पूरे घर में ना वो, और घी का धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप घी का पराठा बनाते हैं तो। चलिए बात करते करते यहाँ पर रोटियाँ जो हैं वो भी सिक्के तैयार हो गई हैं। तो रोटियां डन हैं, दही वाली अरबी डन है, साथ में सैलेड रख ली है, और मिर्ची का अचार जो मैंने बनाया था, सुपर कॉम्बो। और बताइएगा आपको ये थाली मेरी कैसी लगी। तो अब किचन सारी क्लीन मेरी हो चुकी है, और मुझे एकदम से ध्यान आया कि एक व्यूअर है हमारी, और वो बहुत दिनों से मुझको बोल रही थी कि दीपिका अपने जो ड्रॉअर्स हैं, दी अपने जो ड्रॉअर्स हैं वो दिखाओ, स्पून कलेक्शन दिखाओ। तो ऐसा कलेक्शन मेरे पास नहीं है, बस मैं आपको दिखा देती हूँ आज ये सारे ड्रॉअर्स के क्या क्या है। तो जो सबसे ऊपर वाला ड्रॉअर है, इसमें मैंने ये सेग्रीगेट करने वाली ट्रे रखी हुई है, तो इसमें स्ट्रॉ रखे हुए हैं, छोटी स्पून रखी हुई है, जो बीच में बड़े वाले इसमें छोटे लैडल्स हैं, इधर का जो सेक्शन इसमें मिसलेनियस आइटम है लाइक ग्रेटर रखा हुआ है, और जो टी बैग होल्डर होता है वो रखा हुआ है, केक निकालने वाला जो होता है स्पैचुला वो रखी हुई है, और ये कैन ओपनर्स वगैरह तो वो साइड में रखे हुए हैं, बाकी स्पून्स वगैरह हैं। और जो ये सबसे बड़े वाला सेक्शन है, इसमें मैंने बड़े वाले जो चमचे हैं वो रखे हुए हैं, और बिल्कुल साइड में थोड़ी सी एक जगह है उसमें ये पली रखी हुई है, पली बोला जाता है हमारे यहाँ गाँव की भाषा में इसको, और ये छाछ वगैरह देने के काम आती है। और यहाँ पर जो है वो मैं अपने बेलन रख देती हूँ, तो ड्रॉर पूरी बंद नहीं होती है, तो जो एक बेलन है उसको फिर मुझे उधर रखना पड़ता है। तो फर्स्ट ड्रॉर में ये है, सेकंड ड्रॉर जो है वो भी मिसलेनियस आइटम्स का है, लाइक मैंने अपनी तरफ से सेग्रीगेट करने की कोशिश की है। तो जो इधर वाला सेक्शन है, इसमें जो बड़े नाइफ है जो मुझे अदवी से छुपा कर रखने पड़ते हैं, और जो मेरी किचन की सीजर्स हैं वो रखी हुई हैं, बीच वाले में लाइक वाइन ओपनर, ये मोदक का मोल्ड है वो है, और वाइन वाली कॉर्क वाली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट इसको वाइन ओपनर ही बोलते हैं, बट डोंट थिंक के वी टेक वाइन। तो यहाँ पर जो है ये जो स्लाइसर, नॉट स्लाइसर, मेरी जुबान हो रही है, लाइक जो पीलर होता है वो वाला एक सेट रखा हुआ है, इधर मेरे वुडन स्पैचुला रखे हुए हैं, और एक ये बेलन है जिससे बहुत अच्छा पैटर्न बनता है चीज़ों के ऊपर। और ये ड्रॉर है बहुत रैंडम है, तो यहाँ पर मोस्टली जो है वो प्लास्टिक की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और बिल्कुल छोटे वाले स्पून, जो पीछे बास्केट है उसमें गुंजिया बनाने का या शीट्स बनाने का, प्लास्टिक की एक छलनी रखी हुई है, और सिलिकॉन की लिड्स हैं, यहाँ पर ग्रेटर रखा हुआ है, नीचे जो है वो आइस क्यूब की ट्रे रखी हुई है, पेपर स्ट्रॉ है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैंने अलग अलग सेक्शन बना के रखी हुई हैं, कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो एटलीस्ट मुझे वो एकदम मिल जाए, मुझे एकदम से ढूंढना ना पड़े कि कहाँ क्या रखा हुआ है। एक ये धनिया वगैरह काटने के लिए बहुत अच्छा टूल है, थोड़े से बैग जो हैं वो रखे हुए हैं। तो यही है सारी कलेक्शन। और जो सबसे नीचे वाला है, इसमें मेरे डेली के यूज़ होने वाले बर्तन है, लाइक मेरा प्रेशर कुकर और एक दो सॉस पैन वगैरह। तो ये सारे ड्रॉर्स जो हैं वो इस तरह से सेग्रीगेट हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे मसाले और दाल के ऊपर भी कहा था कि ये भी प्लीज़ आप बताओ, तो मैं आज आपको बता देती हूँ। और जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि आप इनके ऊपर लेबल्स कैसे लगाते हो, तो वो मैं जल्दी दिखाऊंगी। बाकी पैकेट के ऊपर ही लेबल आते हैं, और मैं उसमें से काट के और सेलो टेप से लगा लेती हूँ, इट्स सो ईजी, बट कैसे लगाती हूँ वो मैं आगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें मैं वो मसाले रखती हूँ जो फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं, जो डेली यूज़ नहीं होते हैं,
हफ्ते में एक बार या दो बार यूज होते हैं। फिर जो मिडिल शेल्फ है उसमें फ्रंट में वो वाले मसाले हैं जो ऑलमोस्ट एवरीडे, लाइक सॉल्ट हो गया आपका, पंचफोरन हो गया, हींग हो गया, काली मिर्च हो गई, और साबुत धनिया वगैरह रखा हुआ है जो मैं सुबह उठ के पीती हूँ थायराइड की वजह से। इसके बाद जो बीच वाली शेल्फ है, लाइक बीच वाली जो रो है, उसमें उस तरह के मसाले हैं जो कभी कभी यूज होते हैं, और जो सबसे पीछे वाली रो है उसमें मसालों का जो है वो एक्स्ट्रा स्टॉक है, लाइक हल्दी का बड़ा पैकेट है, मिर्च का बड़ा पैकेट है, और धनिया जो पीस के रखती हूँ उसका बड़ा जार जो है, वो सारी चीज़ें। और इनमें से एक भी जार ऐसा नहीं है जो मैंने बाई किया हो, लाइक पास्ता सॉस आती है या पिकल्स आता है, तो मैं सारे जार्स जो हैं वो रीयूज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे ग्लास के होते हैं और फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो सब लाइक रिसाइकल्ड हैं, तो मैंने अपनी किचन के कुछ डब्बों को छोड़कर मैंने डब्बे जो हैं वो नहीं खरीदे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो रिसाइकल चीज़ों से हैं, लाइक मैंने रीयूज़ किया हुआ है। और जो लोग यूके से होंगे उनको समझ में आ भी रहा होगा कि कौन सा जार जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, कुछ अचार के हैं, कुछ मसालों के हैं। तो चलिए, ये तो सारे मेरे मसाले हो गए। अब एक एक मसाला अगर मैं करके दिखाऊंगी बताऊंगी तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट नॉर्मल मसाले। और सबसे नीचे फिर ये मैंने अपनी दाल रखी हुई है, तो फ्रंट रो में जो दाल है सारी की सारी वो नॉर्मल है, और इधर की तरफ ये तीन जार हैं जिसमें किनवा, कुसकुस और उधर वो गोंदकनी जो होती है वो रखी हुई है। तो इधर मेरा ये थोड़ा सा हेल्दी आयल हो गया, और इधर जो है पीछे सारी साबुत चीज़ें हैं, मोस्टली साबुत चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक साबुत मसूर हो गया, छोले, राजमा, लोभिया, मोठ, ये सारी चीज़ें। और सामने वाली जो है उसमें डेली के बनने वाली जो दाल है, उड़द की दाल, तूर की दाल, काली दाल, और साबुत मसूर भी हम खा लेते हैं, दलिया है खिचड़ी वगैरह में, मूंग की दाल, मसूर की दाल, तो ये सब कुछ रखा हुआ है मैंने। तो और ये वाले जार्स जो हैं ये भी मैंने बाई नहीं किए हैं, ये भी मैंने जो है वो रीयूज़ किए हुए हैं, कुकीज़ आती हैं इनके अंदर और ये बहुत अच्छे ग्रेड के हैं। तो यही था, कुछ लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से लिए, और कहाँ एक कुछ कोई मुझे बोल भी रहा था कि दीपिका आप अपने डब्बे चेंज कर लो, बट दे आर गुड क्वालिटी, दे आर फाइन सर्विंग वेल, सो व्हाई शुड आई चेंज, व्हाई शुड आई वेस्ट मनी ऑन दैम। तो ये था ओवरऑल व्यू इनके ऊपर। आज मौसम अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है बाहर, तो आज मैंने दिन में भी एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया, यहाँ रख लो इसे कर लेते। पिछले तीन चार दिन से कुछ काम नहीं हुआ है, तो कपड़े प्रेस किए हुए थे ना, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं कपड़े छोड़ दूँ, रखे हुए हैं बस उस दिन से, कुछ भी करने का जो है वो मन कर नहीं रहा एक्चुअली। बट आज फिर भी एटलीस्ट थोड़ा सा रिलीफ है, सुबह उठ के जो है वो तसल्ली हुई, आज सिर के दर्द में भी मुझे आराम है, नहीं तो पिछले तीन दिन से मेरा सिर का दर्द भी नहीं जा रहा था। अभी आई हूँ मैं ऊपर, और इस वाली क्लिप को मैं इससे जो पहले वाली वीडियो जिस दिन वो बैड न्यूज़ आई थी उस दिन वाली वीडियो के साथ मैं इसको ऐड कर दूँगी। उस दिन में भी मैंने रिकॉर्ड किया था, सब कुछ सही था, शाम तक का प्लान था रिकॉर्ड करने का, बट सडनली थिंग्स जो हैं वो वर्स हो गई, फिर तो कुछ खबर ही नहीं थी क्या हुआ कैसे। तो आज थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ, तो ममक का जो लेवल है वो थोड़ा सा अब चल रहा है अभी, लाइक शी इज़ स्टिल इन ICU, और लाइक थोड़ा बहुत बोल भी रही हैं, बात कर रही हैं, लकीली पहचान रही हैं सबको, मेरी अब तक उनसे बात नहीं हुई है। पता नहीं क्यों, लाइक पापा से मैंने एकदम बात कर ली थी, मम्मी से बात करते हुए मुझे बहुत हिचक हो रहा है, बस लाइक के पापा के सामने मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बच्चा बन के, मम्मी के सामने मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों मेरी ऐसी हालत हो रही है, मुझसे बात हो नहीं रही उनसे एक्चुअली। मुझे लग रहा है कि मैं बस उनकी आवाज़ सुन के शायद मैं रोना शुरू कर दूँगी, विच आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि मैं दुखी होंगी तो फिर मम्मी और ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। मम्मी को अब तक शायद यही है कि मुझे बताया भी नहीं गया अब तक। तो खैर, चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सेटल हैं, स्टेबल हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स पूरा सेटल डाउन होने का जो प्रोसेस है वो 8 से 9 महीने का प्रोसेस है, बट लेट्स सी कैसे कैसे होगा। बट जो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी
उससे फिलहाल थोड़ी सी लाइक एज पे है, बिल्कुल थोड़ी सी बाहर है उस चीज़ से, तो रिलीफ है थोड़ा सा, इतनी भी तसल्ली बहुत है। उस दिन तो रात को इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब मैं भले ही कॉल कर रही थी हर आधे आधे घंटे बाद, बस ये था अंदर से कि उधर से कॉल ना आ जाए, उधर से फ़ोन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मतलब उधर से फ़ोन आया तो कहीं कुछ गलत ना बता दे मुझे। और इस टाइम पर वर्ल्ड वाइड सिचुएशन ऐसी है, क्राइसिस ऐसा आया हुआ है कि कोई मूव नहीं कर सकता। इवन यूके में अभी इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है नहीं, आप जा सकते हैं आ सकते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। इवन दो आई हैव इंडियन पासपोर्ट येट, आई कैन ट्रेवल, लाइक जो लोग यहाँ पर मतलब उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट चेंज करा लिया और उन्होंने इंडिया के लिए वीज़ा लगवाया, OCI बोलते हैं, जो 10 साल का वीज़ा मिलता है, वो लोग भी नहीं जा सकते इंडिया, बट एटलीस्ट आई कैन गो टू इंडिया। लेकिन कहीं भी वेबसाइट पर ये क्लियर नहीं है, उन्होंने ये लिखा है कि जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है वो लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद 14 डेज़ के लिए उनको आइसोलेट किया जाएगा। अब ये नहीं पता कि वो आइसोलेट करने उनको उनके घर भेज देंगे कि आप अपने घर में ही बंद होके रहें, या फिर वो अपनी किसी फैसिलिटी पे रखेंगे। तो उस दिन तो मतलब इतनी बुरी, मैं और दीदी बस फ़ोन पे रो रो के यही बात करते कि कुछ गलत अगर हो गया, 2 दिन पहुँचने में लग जाएंगे, सेम डे का तो टिकट एकदम से मिलेगा नहीं, चलो जैसा भी हो, एक दिन तो पूरा का पूरा लग ही जाएगा, पहुंचने में लगेगा, और अगर बाय चांस गवर्नमेंट ने 14 डेज़ के लिए लॉकडाउन किया तो कैसे क्या होगा। मतलब उस दिन तो सिर्फ बुरे बुरे ख्याल थे कि कुछ हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पर मतलब सारी मुसीबतें ना एक साथ ही। मुझे इसीलिए खुश होते हुए भी ना कई बार बहुत डर सा लगता है कि एकदम से कुछ कुछ भी आ जाता है फिर सर पे, ना जरा सी एक खुशी नहीं आई कि दो दुख जो है वो सिर पे आके बैठ जाते हैं। तो बस हालत ऐसी ही चल रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट यह है कि सुबह से थोड़ा सा रिलीफ है, थोड़ा सा आराम मिला है। देखो मम्मी से किस दिन बात होती है, जिस दिन भी होगी बताऊंगी आप लोगों को। जो आज मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड करी है उसका मैंने अभी जो है वो, मतलब उसको मैंने एंड नहीं किया है, अभी जो है वो मैंने रखी है कि जिस दिन एडिट करूँगी उसको, कल को परसों को जब भी करूँगी मैं उसे एडिट, तो उसमें फिर उसका जो एंड पार्ट होगा वो मैं उसी दिन रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि तब तक मेरे पास कुछ अपडेट होगा आप लोगों को देने के लिए, मम्मी की हालत बताने के लिए, जो भी चल रही हैं चीज़ें। बस यार दुआ करना कि जो ये मुश्किल घड़ी आई है वो चली जाए, चली जाए। पहले भी बताया था कि घर में मम्मी पापा की लाइक हम तो हैं ही, मैं दीदी भैया, बट जो मेरे भतीजे हैं उनको भी अभी मम्मी पापा की बहुत बहुत ज़रूरत है, वो बस किसी काबिल हो जाएं, किसी लायक हो जाएं, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा नहीं मांगते भगवान से, बस 10 साल तो दोनों को एटलीस्ट दे ही दे कि वो किसी लायक हो जाए। पहला टाइम होता था आराम से लोग अपने पोतों की शादी, इवन पड़पोते तक हो जाते थे, लाइक मेरी ससुराल में मेरी दादस जो दादी सास है मेरी, वो हैं अभी, टच वुड भगवान उनकी लंबी उम्र करे, वो हैं अभी तक। तो देखो लाइक अदवी भी बड़ी हो रही है, मेरे जेठ के बच्चे कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, मेरी नंद के बच्चे देखो दोनों कितने बड़े हो रहे हैं। तो पहला टाइम ऐसा लाइक पहले लोग इस तरह के थे, आराम से पोतों की शादी, पड़पोते, एवरीवन, लाइक आप लोग देख लेते थे उनको। बट अब मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे उम्र घटती जा रही है, पता नहीं किस वजह से। और मेरे मम्मी पापा तो लाइक उन लोगों को तो ऐसा बाहर का खाने का, कुछ ऐसा चॉयली खाने का, वो बहुत परहेज का खाते हैं दोनों, लाइक दोनों हार्ट पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल है दोनों को थोड़ा थोड़ा, लाइक बहुत हाई नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत, दोनों को शुगर की भी प्रॉब्लम है, तो उनका तो खाना भी इतना परहेज का है और हमेशा से। और पापा वाज सो मच फिट, पापा बहुत ज़्यादा फिट इंसान, लाइक वो दंगल लड़ने वाले में से थे। और पर मुझे लगता है कि जिसको जो होना होता है ना वो हो ही जाता है। बताओ मम्मी को लंग्स की प्रॉब्लम कहाँ से हो गई, घर में कोई ऐसा नहीं है जो एक सिगरेट बीड़ी कोई पीने वाला भी हो दूर, लाइक कोई मेरे मामा में से लगा ले कि मेरे मामा के यहाँ कोई पीता हो, कि मम्मी अगर किसी रिश्तेदारी में भी गई है तो मम्मी ने वो कुछ सूंघ लिया हो,
देवबंद इज़ नॉट दैट मच लाइक क्राउडेड प्लेस कि वहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता हो उसकी वजह से दिक्कत है। तो मेरी बुआओं के यहाँ कोई नहीं पीता, मेरे मामा के यहाँ कोई नहीं पीता, मेरे चाचा के यहाँ कोई नहीं पीता, मेरे घर में कोई नहीं पीता। तो आई वॉज़ लाइक के बस, पर पता नहीं कहाँ से ये बीमारियाँ आ जाती हैं। पर एक चीज़ मुझे लगती है कि जो लोग अच्छे होते हैं शायद आजमाइश भी उन्हीं की सबसे ज़्यादा होती है। उन दोनों ने इतना किया, सबके लिए किया, और सबसे ज़्यादा परेशानी भी उन्हीं है। डॉक्टरों के तो पता नहीं, पापा तो ये बोलते हैं कि पिछले जन्म में शायद किसी डॉक्टर का पैसा ही लूट के भागा था मैं, कि अब सारे के सारा जो है वो डॉक्टरों के यहाँ ही जा रहा है। पता नहीं, बट थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भेज रहे हो मुझे डेली, जो इवन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब तो मैंने पिछले 5 दिन से चेक ही नहीं किया, आई डिडंट चेक। मैं सोच रही थी लाइक सैटरडे आई थॉट कि हाँ मैं डे ऑफ लूँगी यूट्यूब से, बट मैं उस दिन कॉमेंट्स का काम सारा निपटा दूँगी, रिप्लाई कर दूँगी आप लोगों को। बट शाम, बस क्या बताएं, बस कैसा गया वो तो 2-3 दिन, तो मैंने YouTube खोल के ही नहीं देखा। बट Instagram पे इतने सारे डेली जो है वो 200-300 मैसेजेस जो आ रहे हैं, फिर मैं कुछ का रिप्लाई हो पा रहा है, कुछ का नहीं हो पा रहा है। तो फिर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि दीपिका तुम रिप्लाई नहीं कर रही हो, हम लोग कंसर्न हैं। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं, मुझे घर बात करनी है, दी से बात करनी है, बच्चों से बात करनी है, फिर इधर उधर से कॉल आ जाती है पूछने के लिए, वहाँ भी बात करनी है। मैं Instagram भी खोल के चेक कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई होप कि आप लोग समझेंगे। तो अगर कुछ डीले होता है तो प्लीज़ समझ जाना यार, प्लीज़ समझ जाना, थोड़ी सिचुएशन हियर एंड देयर है। अभी लास्ट वीक, आज के दिन मैं कितनी खुश थी, कितनी खुश थी, और आज देखो बिल्कुल अपोजिट है उसका। बहुत खुश थी मैं आज के दिन, मुझे खुद की नज़र लगी। चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, और जो मैंने रेसिपीज़ दिखाई हैं अगर वो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जरूर ट्राई करना, मेरे साथ Instagram पे शेयर करना पिक्चर्स एज यूजुअल जैसे आप लोग करते हो। और आई होप सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएं, फिर से हंसता खेलता ये परिवार जो आपको दिखाई देता है यहाँ पर फिर से दिखाई दे, सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाएँ। आप लोग भी अपना खूब सारा ध्यान रखें, अपने माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखें, दोनों माँ बाप का, अपने सास ससुर का भी और अपने पेरेंट्स का भी, बोथ इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ध्यान रखें। और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी मिलती हूँ आपसे। यस, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।